आज मैं आपको लोअर बैली को बिल्कुल सपाट करने वाली सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये एक्सरसाइज आप बड़े ध्यान से करते हो जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 से 15 दिन में आप अपने बैली फैट को बिल्कुल आसानी से खत्म कर सकते हो और अपने बैली को सपाट बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हंस टीम का स्वागत है। ये 3 एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इफेक्टिव है स्पेशल हमारा जो बैली होता है, बढ़ा हुआ बैली होता है, उसको कम करने के लिए आप आसानी से अपने बैली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कुल्लों के ऊपर फैट, हिप्स के ऊपर फैट जाता है, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, लेग फैट भी चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बैली को ही कम करेगी, बैली को तो आसानी से कम कर देगी, खींच के रख देगी। आपका अगर तोंद इस तरह लटकी हुई है तो उसको बिल्कुल सपाट कर देगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप वार्म अप करेंगे। इन एक्सरसाइज को करने से पहले हल्का फुल्का वार्म अप करें 2 से 5 मिनट का। इसके बाद आप लेट जाएं, इस तरीके से आप सीधे लेट जाएं और अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से अपने हाथों को रख ले ताकि कमर के ऊपर आपका प्रेशर ना आए। क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज होती है, जैसे वो शुरू करती है एक्सरसाइज करना और अगर कमर के नीचे हाथों को नहीं रखेंगे, हल्का सा भी आपकी कमर के ऊपर प्रेशर आ गया तो पेन होने का डर हो सकता है। ठीक है, तो हाथों को रखेंगे, अब अपने लेग्स को इस तरीके से फैला लीजिए। अब आपने क्या करना है, लेग्स को उठाना है 15 डिग्री के एंगल पे, हल्का सा। अगर आपको नहीं पता 15 डिग्री का एंगल कितना है, हल्का सा उठा लीजिए। इतना उठा के आपने 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री पे उठा लीजिए, फिर से 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लाइए 60 degree पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रख दीजिए। तो ये कितने रेपिटेशन करने हैं, आपने 3 रेपिटेशन करने हैं। ऊपर जाना है, 10 काउंट करना है, होल्ड रखना है 15 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, फिर 90 डिग्री के एंगल पे। इस तरीके से कम 3 रेपिटेशन नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर दीजिए। 3 रेपिटेशन में आपका पेट, आपको लगेगा बहुत हैवी एक्सरसाइज कर दिया आपने, ये करके आज से ही देखिए। ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। नंबर 2 एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से अपनी लेग्स को थोड़ा ओपन कर लेना, ऐसे पैर आपके साइड में रहेंगे इस तरीके से। अब आपको हाथों को ऊपर जोड़ना है और स्क्वैट की पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है इस तरीके से, हाथों को पूरा खींच के रखें। अब हाथों को खींच के रखेंगे तो पूरा आपका पेट खींच रहा है। अब 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर साइड में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आ जाइए और उठ जाइए। ये भी आपको 3 रेपिटेशन करने हैं। जैसे हम बैठे, 10 काउंट किए, पहले सीधा, फिर साइड में, और उसके बाद दूसरी साइड में। तो 10-10 काउंट करेंगे, यानी इतनी देर के लिए अपने होल्ड रखना है, और 3 रेपिटेशन करेंगे तो पूरा आपका लगेगा कि पूरा आपने लेग्स का भी वर्कआउट कर लिया है और अपर बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अब 3rd एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 3rd एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरीके से एक लेग पीछे एक लेग आगे, और इस पोजिशन में बैठना है।
इस पोजीशन में ये सबको आती है। इस पोजीशन में आप बैठ गए, हाथों को अपने सर के पीछे रखें और इस तरीके से साइड में ऐसे ट्विस्ट करें, यानी इतना ट्विस्ट करना है कि पीछे की एडी, पीछे पैर की एडी आपको दिखनी चाहिए। और 10 काउंट करें, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उठ जाए। ठीक है, आप इसी तरीके से हम दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से बैठ गए। इसमें बैलेंस थोड़ा आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। और ऐसे ही साइड में ट्विस्ट करें, पीछे पैर की एड़ी दिखनी चाहिए। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ के उठ जाएंगे। इसके भी आपको 3-3 रेपिटेशन करने हैं। उठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर से करिए, फिर उठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर से करिए। 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं सुबह शाम, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कम एक्सरसाइज में भी आप पूरी बॉडी का फुल वर्कआउट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपने बैली फैट को और लोअर बॉडी फैट को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। आज ही करना शुरू कर दीजिए अगर जल्दी रिजल्ट आपको आना है। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।